नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के कौशाम्बी और आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री ने कौशाम्बी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया और आजमगढ़ में तकरीबन 4,546 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए अमित शाह का ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। ने कौशाम्बी उत्सव 2023 की शुरुआत की तो वही आजमगढ़ की जनता को बड़ी सौगात भी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। शाह यूपी में चुनावी माहौल को गर्माने एक बार फिर से आ रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कौशाम्बी में गृह मंत्री अमित शाह ने कौशाम्बी उत्सव 2023 कार्यक्रम की शुरुआत की तो वही आजमगढ़ में भी अमित शाह जाएंगे। इस दौरान वो करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। वहीं इस पूरे दौरे की खास बात यह है कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सूबे के मुखिया यानी सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। तो वहीं बीजेपी के लिए आजमगढ़ काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर विधानसभा चुनावों के नतीजों पर एक नजर डालें तो कुल 10 सीटों पर सपा को जीत मिली थी, लेकिन यूपी में जो उपचुनाव हुए उसमें निरहुआ को जीत मिली। तो ऐसे में अगर भाजपा ने 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है तो उसके लिए अब भाजपा जो है वो पूरी तैयारी के साथ अब मैदान में उतर चुकी है। तो कौशाम्बी में जो है एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया तो वही आजमगढ़ में भी एक जनसभा को संबोधित करने के साथ विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए अमित शाह नजर आएंगे। वह इस पूरे कार्यक्रम के दौरान उनके साथ सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी के लिए आजमगढ़ कितना अहम है इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में कुल 10 सीटों पर सपा को जीत मिली थी, जबकि उपचुनाव जो कि यूपी में हुए थे उसमें आजमगढ़ सीट से निरहुआ को जीत मिली थी। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव काफी करीब है, साथ ही साथ उससे पहले निकाय चुनाव होने हैं। तो निकाय चुनाव को एक लिटमस टेस्ट की तरह माना जाता है, यानी निकाय चुनाव सेमीफाइनल माना जाता है। इस वजह से निकाय चुनाव से पहले भी अमित शाह दौरे पर पहुंचे तो वही लोकसभा चुनाव से पहले उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, अगर देखा जाए अमित शाह कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव से पहले माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं और आज वो आजमगढ़ भी जाएंगे। कौन कौन से कार्यक्रम उनके निर्धारित है आजमगढ़ में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है मुस्कान ये है, आजम खान गृह मंत्री हैं उत्तर देश के और कहीं ना कहीं उनका प्रयास ये है कि बीजेपी को यहाँ पर ज़्यादा जीत जितनी है और इसकी कवायद लगातार शुरू हो चुकी है। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों का दौरा कर चुके हैं। अगर हम इनके कौशाम्बी और आजमगढ़ जिले के दौरे की बात करें तो आपको बता दूं कि कौशाम्बी और आजमगढ़ वो सीटें हैं, वो जिले हैं जहां पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था और बीजेपी का यहां का क्लीन स्वीप हुआ था और स्पष्ट किया जा रहा था कि यहां पर नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी। और अमित शाह का यहां प्रयास यहां पर यही है कि कौशाम्बी और आजमगढ़ में जिस तरह से बीजेपी को नुकसान हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति की जाए, कि निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, इसके अलावा 24 का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल गौरव, आपने अभी जिस तरीके से जिक्र किया कि कौशाम्बी और आजमगढ़ ये दोनों ही ऐसे सीटें हैं जहां पर भाजपा को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, तो क्या लगता है इस दौरे को देखते हुए उस नुकसान की भरपाई करने में भाजपा कितनी कामयाब रहेगी निकाय चुनाव और लोकसभा 2024 के चुनाव? बिल्कुल जी बिल्कुल मुस्कान, यहाँ पर भरपाई करने का प्रयास ही किया जा रहा है। कौशाम्बी की बात करें, कौशाम्बी में बीजेपी को नुकसान हुआ है, सभी सीटें वहाँ पर हारी हैं। आजमगढ़ की बात करें, आजमगढ़ में सांसद जरूर जीते हैं पर यहाँ पर आजमगढ़ में भी जो 10 सीटें विधानसभा की हैं वो सभी सीटों को समाजवादी पार्टी ने जीत लिया था। तो कहने के अमित शाह की तैयारी यहाँ पर यह है कि कौशाम्बी और आजमगढ़ में यहाँ पर दोबारा परचम लहरा जाए, क्योंकि अगर कौशाम्बी की हम बात करें तो यहाँ पर ओबीसी के बड़े चेहरे यानी उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ही यहाँ पर चुनाव हार गए थे
तो कहीं ना कहीं जो जरूरत यहाँ पर है निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को पूरा करने का, उसके लिए अमित शाह दौरे पर है। कौशाम्बी में उन्होंने दलित सम्मेलन को संबोधित किया है, इस बार को करने का प्रयास किया जाए। एक तरफ समाजवादी पार्टी मिशन काशीराम लेकर यहाँ पर काम कर रही है, मेहनत कर रही है, उसका कहना है इस बार को अपने पाले में पड़ने का प्रयास कर रही है, तो बीजेपी भी अब प्रयास ये कर रही है कि कैसे इस बार को अपने पाले में किया जाए। तैयारी पूरी है और फिलहाल अमित शाह इसी के तहत यहाँ पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं। बिल्कुल गौरव, अभी आपने जिक्र किया कि दलितों को साधने की कोशिश अमित शाह अपने कौशाम्बी के दौरे में करते हुए नजर आए, तो सभी वर्गों के लिए आखिर ये दलित जरूरी क्यों है? यहाँ पर टक्कर देने के लिए अमित शाह कौशाम्बी के दौरे पर रहे, आजमगढ़ भी जाएंगे, वहाँ पर भी उनका सम्मेलन भी रहेगा, वहाँ पर भी संगीत महाविद्यालय का उद्घाटन करेंगे, उसके साथ ही वहाँ पर सभा का भी संबोधन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बिल्कुल गौरव, अभी जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो सभी वर्ग है वो दलितों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो वही अमित शाह ने भी कौशाम्बी में दलितों के बड़े तबके को साधने का प्रयास किया, तो आखिर सभी पार्टियों का फोकस दलितों पर इतना ज्यादा क्यों है? गया है, अब आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह यूपी में चुनावी माहौल बनाते हुए नजर आए कौशाम्बी में जनसभा, तो वहीं आजमगढ़ की जनता को सौगात देते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो वहीं अब वो आजमगढ़ में जहां एक तरफ जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, वहीं विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, लेकिन इन दोनों ही जगहों पर एक बात जो अहम निकल के सामने आ रही है वो ये है कि दलितों को साधने का प्रयास इस दौरान भी किया जाएगा, क्योंकि कौशाम्बी और आजमगढ़ ये दोनों ही ऐसी जगह है जहां पर भाजपा को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, फिर चाहे वो विधानसभा चुनाव 2022 हो, तो ऐसे में अब दलितों को साधने का प्रयास साथ ही साथ जो तमाम तबके हैं उनको साधते हुए भाजपा नजर आएगी। और संबोधन कर रहा है कि उसका कारण यह है कि मिशन काशीराम जो कि सपा का मिशन है और इसको लेकर लगातार वो चुनौती देने का प्रयास कर रही है बीजेपी को, तो अमित शाह का भी यही सोच रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी इस वर्ग को अपने पाले में करने का प्रयास करी, तो भाई बीजेपी भी अब इसी व्यवस्था को देखते दलितों को अपने पाले में जो क्योंकि पहले से कहा जा रहा है जो दलित वर्ग एक तरफ पहले बसपा का होता था, अब वो बसपा से छिटक कर भाजपा के साथ चला गया, तो कहीं ना कहीं इस वर्ग को समाजवादी पार्टी अपने पाले में ना कर ले, शायद यहाँ पर सपा को फायदा ना मिल जाए, उसको लेकर अमित शाह भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। कौशाम्बी आजमगढ़ में जाकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ जहाँ बीजेपी को नुकसान हुआ था उन सीटों पर हम मेहनत करेंगे और वहां पर दोबारा बीजेपी जिताएंगे, और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव 24 की तैयारी को लेकर यहां पर तैयारी पूरी है, और इसीलिए अमित शाह बिल्कुल गौरव इन दोनों ही अगर दौरों पर एक बार नजर डालें तो उनके साथ सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ तो मौजूद रहे ही हैं, लेकिन और कौन कौन से दिग्गज नेता इस दौरान अमित शाह के साथ नजर आए? हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सपा नेता आजम खान के आधा दर्जन केसों पर आज रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई है। वहीं अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पैन कार्ड केस और भड़काऊ भाषण केस में आज सुनवाई होगी, जबकि अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड केस में कुल 28 गवाहों की सुनवाई होगी। तो आजम खान पर मुकदमों का जो भंडार लगा है आज उसमें फैसले के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि आज आजम खान के मामले पर जो भी उन पर शिकायतें दर्ज की गई है उस सभी मामलों पर एमपीएमएलए कोर्ट रामपुर में आज सुनवाई होगी। तो वहीं अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड केस में भी कुल 28 गवाहों की पेशी होनी है। तो आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और आजम खान के साथ ही अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड केस में भी कुल 28 गवाहों की आज पेशी होनी है, तो आजम खान पर मुकदमे काफी हैं।
और आज उन्हीं मुकदमों पर रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब देखना यह अहम होगा कि आज के इस सुनवाई में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, क्या कुछ नतीजा निकल कर आएगा या फिर अगली तारीख सुनवाई की मिल जाएगी। तो रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान पर आज सुनवाई होगी। जो भी उन पर मुकदमे दर्ज है, चाहे वो भड़काऊ भाषण के हो और चाहे वो अब्दुल्ला का ही मुकदमा हुआ, आज उन सभी मुकदमों पर सुनवाई होगी। अब्दुल्ला के पैन कार्ड केस में कुल 28 गवाहों की सुनवाई होगी। तो ये बड़ी और अहम खबर हम लगातार अब तक पहुंचवा रहे थे, क्योंकि रामपुर एक दिग्गज चेहरा माने जाते हैं, ऐसे में अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद कलीम, आजम खान पर जो मुकदमों का भंडार था, आज उस पर फैसला आ सकता है, कौन कौन से वो मुकदमे हैं जिन पर आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हो रही है? देखिए, जिस तरीके से अब्दुल्ला आजम का जो मामला है, क्योंकि जो उनके दो प्रमाण पत्र के मामले थे, इसमें भाजपा नेता के द्वारा जो है आजम खान और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में लगातार जो जांच चल रही थी और कार्रवाई चल रही थी, लेकिन इस मामले में जिस तरीके से एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान के वकील ने 28 गवाहों को साक्ष्य के लिए दिया था, लेकिन उनमें से दो गवाहों को आज तलब किया गया था, यानी कि कहा जा सकता है आज 7 तारीख को जो दो गवाह थे उनको पेश होना था, उनका बयान दर्ज होना था, जिसके बाद आज इसमें अपने जो कोर्ट है फैसला भी सुना सकती थी। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है कि कोर्ट के द्वारा अभी इस मामले में क्या कुछ फैसला दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो अब्दुल्ला आजम और आजम खान की मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही हैं, लेकिन लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस मामले को लेकर के जिस तरीके से बात की जाए, सबकी निगाहें आज इसी पर टिकी हुई हैं कि आखिर कोर्ट इसमें अपना क्या फैसला सुनाएगी। बिल्कुल मोहम्मद करीम, जिस तरीके से अभी कुछ ही आगामी दिनों में स्वार सीट पर उपचुनाव होने हैं, और अगर ऐसे में अगर ये फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो कितनी मुश्किलों का सामना उठाएंगे आजम खान? देखिए, साफ कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जब बात की जाए, जब विधायकी गई थी तो वहां से जो चुनाव लड़ा गया था, तो पहली बार रामपुर से बीजेपी की सीट निकली थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि वहां से सपा यानी कि आजम खान की जो सीट है मजबूत थी, लेकिन जो हार मिली थी, हार के बाद अगर यहां पर भी फैसला जो आता है तो उस फैसले के बाद कहा जा सकता है कि इनको एक और बड़ी हार के आज सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन जो तैयारियां हैं, तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन जो मुकदमा है, मुकदमों के बाद जमानत जो कही जा रही थी, पैरोल पे निकल के आ रहे थे, लेकिन फिर भी जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें कम नहीं हो रही। तो साफ कहा जा सकता है जो निकाय चुनाव आएगा तो उसमें भी इनको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इनको हार का भी सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद मोहम्मद कलीम इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे पहली बार रविवार को अयोध्या जाएंगे। वहां वो भगवान राम मंदिर में दर्शन और पूजन अर्चना करेंगे, साथ ही रात में लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री के साथ भोजन करेंगे। सीएम बनने से पहले भी शिंदे ने राम मंदिर की यात्रा की थी। मार्च 2020 में तत्कालीन महाविकास अघाड़ी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वहां प्रार्थना की थी। तो राम के दर्शन के बाद सीएम योगी से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे एकनाथ शिंदे। तो राम के धाम में एकनाथ शिंदे नजर आएंगे। वहीं आपको बताते चले कि सीएम बनने के बाद पहली बार राम के दरबार में एकनाथ शिंदे पहुंचेंगे। इस दौरान ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन पूजन करेंगे, वहीं रामलला के भी दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश, महाराष्ट्र में सीएम पद की कमान संभालने के बाद पहली बार एकनाथ शिंदे अयोध्या दौरे पर जाएंगे, उनके इस दौरे को लोकसभा चुनाव से पहले किस तरीके से देखा जा सकता है? देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि एकनाथ शिंदे हिंदुत्व का वो बड़ा चेहरा उभर के सामने आ रहे हैं, क्योंकि शिवसेना एक तरह से हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, और राम की नगरी अयोध्या में उनका दर्शन करना, ये कहीं ना कहीं 24 के चुनाव से भी इसको जोड़ा जा रहा है, इसको देखा जा सकता है। जिस तरीके से अभी पूरी तैयारियां चल रही हैं, 9 तारीख को जो वहां पर उनका कार्यक्रम होना है,
रामलला के दर्शन करने के लिए वो पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र से, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को लेकर के एकनाथ शिंदे के लिए पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पे पुलिस को भी तैनात किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही सामने, वहाँ 8 तारीख से शिवसेना के जितने भी कार्यकर्ता हैं वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, एकत्र हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बेहद खास माना जा रहा है। एक तो 2024 का चुनाव, दूसरा जो अभी नगर निकाय का भी चुनाव आने वाला है उसको भी लेकर के कहीं ना कहीं चीज़ें सामने उभरती हुई आ रही हैं, दिखती आ रही हैं। तो फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है वो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो अयोध्या पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए, और 9 तारीख को उनका दर्शन का वहाँ कार्यक्रम होगा रामलला और हनुमानगढ़ी पे, वहाँ पे दर्शन करने के लिए वो जाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। बिल्कुल रितेश, अक्सर हमने देखा है कि जब भी चुनावों का दौर शुरू होता है तो तमाम प्रदेशों के जो नेता हैं, जो सीएम हैं, वो अक्सर रामलला के दरबार में नजर आते हैं। तो चुनावों से पहले भगवान राम का आशीर्वाद लेना आखिर नेताओं के लिए इतना अहम क्यों हो जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात मुस्कान मैं आपको बताऊं कि राजनीतिक रोटियां सेकना और राजनेता जो होते हैं वो कहीं ना किसी चीज़ को धर्म को लेकर के या किसी मुद्दे को लेकर के ही मैदान में उतरते हैं और कहीं तब जा करके जनता के बीच में अपना पक्ष रख पाते हैं। सबसे बड़ी बात जब अयोध्या दिन में हनुमान मंदिर को, राम मंदिर को लेकर के जब बातें चली तो कितने दिन से मामला कोर्ट में लगा रहा, उसके बाद जब पक्ष में जब ये डिसीजन आया उसके बाद से कहीं ना कहीं अयोध्या अब संवर रहा है। और वहाँ पर इतना बड़ा रामलला, जो राम जन्मभूमि पे रामलला का मंदिर बन रहा है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा केंद्र है जहाँ से सभी का उद्धार होना माना जा रहा है। तो एक सबसे बड़ी बात ये सामने निकल के आ रही है कि जो स्थान है वो रामलला का, वहाँ माथा टेकने के बाद अब वहाँ के जो राजनेता है वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हम उनको वो गद्दी मिल सकती है। फिलहाल 2024 का चुनाव है, उस चुनाव को लेकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का अयोध्या में जाना ये बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो उठा पटक महाराष्ट्र में हुई थी उसके बाद एकनाथ शिंदे को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया था। कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का उभरता चेहरा और हिंदुत्व की पार्टी जो ये देखी जाती शिवसेना, तो ये वहाँ पर एक बहुत बेहद खास माना जा रहा है। फिलहाल कुल मिलाकर के 9 तारीख को वहाँ पहुँचने वाले हैं। रास्ते में कई जगह व्यवस्थाएं भी की जा रही है, लखनऊ से लेकर के लगभग 100 गाड़ियों का काफिला भी रहेगा और अयोध्या में पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं 8 और 9 तारीख अयोध्या जी में वहां पर पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। मुस्कान, बिल्कुल रितेश, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि पहली बार सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे रामलला के दर्शन पूजन करने आ रहे हैं, तो ऐसे में और कौन कौन से नेता उनके साथ मौजूद रह सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात सामने आ रही है, उनसे भी उनकी मुलाकात होगी और शिवसेना के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता वहां पर मौके पर मौजूद, बल्कि आज से वे पहुंच रहे हैं वहां पर, उनके स्वागत के लिए हजारों कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। और यहां से लखनऊ से अमौसी एयरपोर्ट से जब काफिला उनका चलेगा अयोध्या जी तक, तो काफिला लगभग 100 गाड़ियों का काफिला होगा जो देखने लायक होगा। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या जी में जो पहुंच रहे हैं एकनाथ शिंदे, इसका बहुत बड़ा मतलब भी निकाला जा रहा है आगामी आने वाले 2024 के चुनाव के साथ भी देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल अभी 9 तारीख को जो दर्शन करेंगे उससे और बातें सामने निकल के आ रही हैं कि कौन से नेता उनसे मुलाकात करेंगे और कौन से नेताओं के साथ बैठ करके वो डिनर करेंगे या भोजन करेंगे या प्रसाद पाएंगे, तो ये देखने वाली बात होगी। आगे जा करके निश्चित हो पाएगा कि और कौन कौन से नेता उनके साथ जुड़ेंगे, कौन कौन से नेता उनके साथ होंगे। बिल्कुल रितेश, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जब भी दिल्ली की बात आती है तो ये कहा जाता है कि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है, ऐसे में चुनाव से पहले एक बार फिर से सभी प्रदेश के दिग्गज नेता अब यूपी की ओर कूच कर रहे हैं, तो क्या अब एकनाथ शिंदे जैसे अभी अयोध्या आ रहे हैं, तो क्या ये देखते हुए तमाम प्रदेश के जो नेता है, जो मंत्री है, वो भी अयोध्या की तरफ कूच कर सकते हैं? देखिए मुस्कान, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश गर्भगृह है, बिल्कुल 80 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, बिल्कुल 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए जो यहाँ से जिनकी सीटें निकल जाएंगी वहीं जाकर के दिल्ली की सत्ता को संभालेगा। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में तो माथा टेकना ही है उनको, अब वो चाहे अयोध्या की नगरी रामलला की जन्मभूमि पे माथा टेके या हनुमानगढ़ी पे टेके या काशी विश्वनाथ में जाके माथा टेके या प्रयागराज में जाके त्रिवेणी में गंगा स्नान करें, तो ये तो उत्तर प्रदेश में करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के दिल्ली का रास्ता साफ होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो बहुत समझदार हो चुकी है और चुन करके अपने नेता को भेजती है जो क्षेत्र का विकास करें, जो स्वास्थ्य पर विकास करें, जो शिक्षा पर विकास करें, जो नेताओं के फैसले को भी जनता भली भांति समझ चुकी है, जान चुकी, पहचान चुकी, इसलिए वो अपने मन में पहले से छान चुकी है कि 2024 में फिर से किसको लाना है सत्ता में और कौन उनका तारणहार हो सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद रितेश इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
देश में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और कोरोना की ये रफ्तार इस बात की आशंकाएं जाहिर कर रही हैं कि क्या अब कोरोना की फिर कोई लहर आने वाली है। पिछले चार दिनों में ही कोरोना के केसों में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6050 नए केस सामने आए हैं और इस दौरान ही 14 लोगों की जान भी चली गई है। बता दें कि यूपी में साल 2023 में कोरोना से पहली मौत भी दर्ज की गई है, जिसके चलते लोगों में कोरोना का डर एक बार फिर से बैठने लगा है। तो कोरोना की रफ्तार अब लगातार बढ़ती जा रही है और कोरोना कहीं ना कहीं बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे अब लोगों के जहन में भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना की कोई नई लहर यानी कि चौथी लहर आने वाली है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अस्पतालों में वैक्सीनेशन नहीं है, इसकी भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। देखिए मुस्कान, 7 महीने बाद कोरोना के डेली केसेस जो है वो 6000 के आंकड़े पार कर चुके हैं जी। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बकायदा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक भी की है और उनको कहा है कि सभी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राज्यों के वो अस्पतालों में मॉकड्रिल का रिव्यू करें कि मॉकड्रिल करने के बाद से अस्पताल प्रशासन ने क्या कुछ सुधार किया है और क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है कोविड को लेकर, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर उन्होंने उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही साथ मनसुख मांडविया ने यह भी कहा है कि सभी जो स्वास्थ्य मंत्रालय है हर प्रदेश का, वो जो है लोगों को आगाह करे, जागरूक करे और साथ ही साथ टेस्टिंग भी बढ़ाए, जिससे केसेस क्या पता चलता रहे। अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 6050 नए मामले आए हैं और कुल 14 लोगों की कोविड से मौत भी हो गई। अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो देश में 28,303 का आंकड़ा जो है एक्टिव केसेस का है। उसके बाद शुक्रवार को राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक रिव्यू मीटिंग यानी आज भी है और कुल इसमें 10 स्वास्थ्य मंत्रियों से 10 से 11 अप्रैल और सभी अस्पतालों का दौरा करके मॉकड्रिल का रिव्यू करने को कहा है, जो कि एक बड़ा निर्देश है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा। विवेक, आपने जिक्र किया कि स्वास्थ्य विभाग तो लगातार सावधानियां बरत रहा है, निर्देश दिया जा रहा है कि अस्पताल मुस्तैद रहे, लेकिन लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। लोगों को आखिर कैसे जागरूक किया जाए एक बार फिर से कोरोना के लिए? देखिए, अगर बात की जाए, अगर हम लखनऊ की बात करें तो कल ही जिलाधिकारी ने बकायदा बयान जारी करते हुए कहा था कि लोग जो है, जो बच्चे और बुजुर्ग है, वो जो है बेवजह भीड़ भाड़ वाली इलाकों में जाने से बचे और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, मास्क लगाए, सैनिटाइजर का यूज करते रहे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने लगातार सभी चिकित्सा अधीक्षकों, अस्पताल प्रशासन को ये बकायदा गाइडलाइन जारी करके ये निर्देश दे दिए थे कि कोविड संक्रमण को लेकर सभी अस्पताल जो है वो अलर्ट मोड पे रहे और जितने भी बड़े अस्पताल हैं, सिविल अस्पताल हैं, वो कोविड वार्ड बनाए, बेड आरक्षित करें, ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करें और जो ऑक्सीजन प्लांट की बात है वो सुचारू रूप से चलते रहे ताकि आने वाली स्थिति के लिए पहले से निपटा जाए। और इसे अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्री का यह भी निर्देश है कि जो सभी चिकित्सक हैं, जो सभी स्वास्थ्य चिकित्सक हैं, वो अपनी जिम्मेदारी जो है इसको लेकर, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर बेहतर तरीके से निभाएं। बिल्कुल, धन्यवाद विवेक इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।